शिक्षाप्रद कहानी, अभिमान से नहीं उदारता से करो दान। राजा जानुश्रुति अपने समय के महान दानी थे। एक शाम वो महल की छत पर विश्राम कर रहे थे, तभी सफेद हंसों का जोड़ा आपस में बात करता आकाश मार्ग से गुजरा। हंस अपनी पत्नी से कह रहा था, क्या तुझे राजा जानुश्रुति के शरीर से निकल रहा यश प्रकाश नहीं दिखाई देता? बचकर चल, नहीं तो इसमें झुलस जाएगी। हंसिनी मुस्कराई, प्रिय मुझे आतंकित क्यों करते हो? क्या राजा के समस्त दानों में यश निहित नहीं है, इसलिए मैं ठीक हूँ? जबकि संत रैक एकांत साधना लीन है, उनका तेज देखते ही बनता है, वही सच्चे अर्थों में दानी है। जानुश्रुति के हृदय में हंसों की बातचीत कांटों की तरह चुभी। उन्होंने सैनिकों को संत रैक का पता लगाने का आदेश दिया। बहुत खोजने पर किसी एकांत स्थान में वो संत अपनी गाड़ी के नीचे बैठे मिले। जानुश्रुति राजसी वैभव से अनेक रथ, घोड़े, गौ और सोने की मुद्राएं लेकर रैक के पास पहुँचे। रैक ने बहुमूल्य भेंटों को अस्वीकार करते हुए कहा कि मित्र, ये सब कुछ ज्ञान से तुच्छ है, ज्ञान का व्यापार नहीं होता। राजा शर्मिंदा होकर लौट गए। कुछ दिन बाद वो खाली हाथ जिज्ञासु की तरह रैक के पास पहुँचे। रैक ने राजा की जिज्ञासा देखकर उपदेश दिया कि दान करो, किंतु अभिमान से नहीं, उदारता की, अहम से नहीं, उन्मुक्त भाव से दान करो। राजा रैक की बात सुनकर प्रभावित हुए और लौट गए।